हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो चिल्ड्रन, अभी देखिए कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, जन्माष्टमी। थोड़ा टाइम है आने में, लेकिन मैडम आपको इसके लिए आपको मटकी डेकोरेशन करनी है। देखिए, मैडम ने देखिए यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया है, येलो कलर से कर रही है। और देखिए इसमें डिप किया और इसमें आप कलर कर लेंगे। ओके, देखिए ये आपने इसमें पूरे में अच्छे से आपको कलर करना है, लाइक दिस। बेस में भी कर लीजिए। कलर आप कौन से यूज़ करेंगे बेटा? कलर आप फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे। इसकी बॉटल आपको मार्केट में एक सिंगल और कलर की अकेले भी मिल जाती है। ओके, आपको इसमें दो बार कोट करना पड़ेगा, टू टाइम्स करना होगा, या आप किसी की हेल्प से करिएगा। देखिए फैब्रिक कलर मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से फैब्रिक कलर की बॉटल रहती है। ये वाले आप एक्रेलिक कलर ले लीजिए। ओके, ये आप पेंट करेंगे को, पूरा आपको अच्छे से पेंट करना है और फिर इसके बाद आपको सूखने देना है। ओके, ये छोटी सी मटकी अपन डेकोरेट करेंगे। इसको रोटेट भी करते जाइए। इसमें आपको बेटा थोड़ा थिक कलर लगाना है, पेंट करते वक्त पानी नहीं मिलाना है। ओके, ये देखिए मैम ने कैसे होल्ड करके रखा है, फिंगर में कैसे फंसा के रखा है। इस तरीके से आप भी फिंगर में इसको ऐसे फंसाएं। ओके, और इस तरीके से अपना हाथ रोटेट करते जाएं। आपको अपने पेरेंट्स की या किसी की हेल्प लेके आपको करना होगा थोड़ा। इस तरीके से आप इसको पूरा पेंट कर लीजिए। ओके, पेंट करने के बाद इसको आप सूखने देंगे। ओके, सूखने देना है आपको, फिर इसके बाद मैं आपको इसका डेकोरेशन बताती हूँ। सूखने का वेट करते हैं। तो चिल्ड्रन देखिए, ये आपकी मटकी पेंट हो गई है। ओके, इसको कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है ड्राई होने में। अब चलिए अपन इसके इसमें आगे का डेकोरेशन करते हैं। अब देखिए मेरे पास कुछ गोटा है, देखिए ये मेरे पास यहाँ पे गोटा है। देखिए ये मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगी। ओके, तो देखिए मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ, मैं यहाँ पे लगाऊंगी फेविकॉल। लाइक दिस, और इसको आपको अच्छे से दबाते जाना है। ओके, चिपकाते जाना है और साथ में रोटेट करते जाना है, लाइक दिस। यू हैव टू डू, अच्छे से आप इसको चिपकाइए, गोटा भी लगाते जाइए और चिपकाते जाइए। ओके, देन चिल्ड्रन लाइक दिस, ये देखिए। फिर इसको रोटेट करेंगे। अच्छे से चिपका लीजिए, ये देखिए।
ऐसे, ओके। और ओवरलैप भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। अच्छे से एकदम चिपक गया है, ओके। ये देखिए चिपक गया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे ये इस पोर्शन में, यहाँ पे तो हमने लगाया ही है हेयर, अब यहाँ पर भी हम अंगूठा लगाएंगे, ओके। तो आप इस साइज़ का एक छोटा सा पहले से कट करके रख लीजिए, उस एरिया में कितना आएगा, और उसको आप वहाँ पे चिपकाएंगे। देखिए देखिए, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा ऊपर से छोड़ा है तो नीचे से भी हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, थोड़ा सा छोड़ना है बस, ओके। और इसके बाद मैं इसके ऊपर भी लगा लेती हूँ गोटा, गोटे पे भी लगा लेती हूँ, तो और ये और अच्छे से चिपक जाएगा। गोटे पे मैंने लगा लिया, ये भी कर सकते हैं बेटा। अब इसके बाद आपको इस पर चिपकाना है, ये देखिए थोड़ा सा नीचे से छोड़ा मैम ने, देखिए जैसे ऊपर से छोड़ा था सेम आपको यहाँ से भी थोड़ा सा छोड़ देना है। अब देखिए गोटे, ये थोड़ा सा शेप है ना इसका कर्व्ड है, तो यहाँ पे थोड़े से ऐसे आपको हल्का सा दबाना पड़ेगा, कर्व्ड है, नीचे से नैरो है और ऊपर से ब्रॉड है, थोड़ा सा इसको मैनेज करके आपको चिपकाना होगा, ओके। नीचे से नहीं छोड़ा है क्योंकि ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है बेटा, इसलिए आप भी नहीं छोड़ना है तो फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। इस तरीके से देखिए ये चिपक गया है पूरा हमारा अच्छे से, थोड़ा इसको सूखने देना, जब ये ऊपर से अच्छे से चिपक जाएगा देन अपन इसको दबा देंगे। अब इसके बाद देखिए मेरे पास कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे कि देखिए सितारे रखे हुए हैं, ये सब रखा है, अब ये इसके ऊपर अपन पेस्ट करेंगे, ओके। ये अपन इस पर चिपकाएंगे, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगा रही हूँ लाइक दिस, देखिए मैंने इसको एक यहाँ लगा दिया फेविकॉल से, इसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगाया, मैंने ये चिपका दिया यहाँ, एक और मैंने लिया इसको रोटेट किया और इसको मैंने यहाँ चिपका दिया, ओके। थ्री चिपकाऊंगी मैं, ओके। और देखिए एक और मैंने ये चिपका दिया, देखिए तीन चिपक गए इस तरीके से। अब मेरे पास कुछ गोल्डन है बेटा, ये देखिए ये गोल्डन है, इन गोल्डन को मैं चिपकाऊंगी। ये सब राखी का बचा हुआ सामान है, जो हर साल अपन राखी लेते हैं उनसे ये बचा हुआ सामान है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब देखिए मैंने इन पे फेविकॉल लगाया है और देखिए इस पे मैं गोल्डन लगा दे रही हूँ बीच में, इस पे भी मैंने गोल्डन लगा दिया, ओके। इस पे भी मैंने गोल्डन लगा दिया, ओके। देखिए हमारा, अब मैं क्या करूँगी, देखिए अब मैंने क्या किया है,
बर्ड ली है, इससे मैंने है ना ये रेड कलर लिया है, ये देखिए रेड कलर, ये रेड कलर लिया है ओके बर्ड से। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, ये देखिए इसे फ्लावर क्रिएट करना है ऐसे डॉट्स। देखिए ये मेरे पास बॉटल है, इसमें मैंने बर्ड से डिप करके फ्लावर क्रिएट किया दूर दूर लाइक दिस। देखिए बेटा ओके लाइक दिस यू हैव टू डू, ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन गया। ऐसे ही अपन सारे में करेंगे, जो अपन ने इसमें ऊपर चिपकाए थे ये, इनमें भी सेम मैं ऐसे ही फ्लावर क्रिएट करूँगी। बोर्ड ले लीजिए, और अगर नहीं है तो कोई लकड़ी के ऊपर आप कॉटन लगा के भी बना सकते हैं ओके। ये देखिए ये आपने केजी में किया है ये टेक्सचर, बर्ड टेक्सचर। अब देखिए ये फ्लावर बन गया, कितना सुंदर फ्लावर बना है ओके। अब देखिए इसके बाद ये अपन, मैंने इसको रोटेट किया और नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले पे मैंने ये थोड़ा दूर दूर से चिपका के मत करिएगा, थोड़ा ऐसा डिस्टेंस दे के बनाइएगा ओके। देखिए ये बन गया हमारा, इतना डेकोरेट हुआ। अब देखिए मैंने कुछ यहाँ पे छोड़ा था, अब इसको भी मैं थोड़ा सा कवर अप करूँगी, मैं यहाँ पर भी ऐसे डॉट्स बनाऊँगी, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए इसको आप और रोटेट करते जाइए, ये देखिए ये बेटा और ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए इट इज़ कम्प्लीट। थोड़ा टाइम लगता है इसको सूखने में। देखिए ये बन गया पूरा, हमारा डेकोरेट हो गया ओके। अब आप चाहें तो यहाँ पर, यहाँ पे ये जो गैप बचा है ना, इनमें आप एक 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 फ्लावर बना सकते हैं लाइक दिस, डॉट रख सकते हैं। देखिए ये लाइक दिस, ये देखिए ये इस तरीके से बना लीजिए और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ओके। नाउ इट इज़ कंप्लीट। अब आप इसको अपने घर में कहीं पे भी डेकोरेट करके रख सकते हैं ओके। और इसके अंदर आप लगा लीजिए, क्या लगाएंगे आप इसके अंदर, आप लगाइए कॉटन जो आपको देगी लुक काय का, मक्खन का। हाँ आप एक चीज़ और देखिए, ऊपर अपन ने डॉट डॉट रखे हैं, नीचे नहीं रखे हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप नीचे भी, यहाँ नीचे भी डॉट्स रख सकते हैं लाइक दिस। ये देखिए 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 बेटा ये कंप्लीट हो गया है आपका, देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ओके। हाँ एक चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे भी दे दीजिए डॉट लाइक दिस ओके। अब नाउ इट इज़ रेडी, रेडी है। अब आपके पास जो घर में कॉटन है, ये देखिए मेरे पास कॉटन है। देखिए बेटा इसके बाद थोड़ा सा एक गैप लग रहा है, तो यहाँ पे आप ऐसे डॉट दे दीजिए ओके। या आप कुछ और चिपका भी सकते हैं यहाँ पे ये गैप को फिल करने के लिए ओके। देखिए
रेडी है आपकी ये मटकी, और इसके ऊपर आपने लगा दिया है कॉटन। ये देखिए कॉटन लगा दिया है, तो ये कैसा लुक दे रहा है, मक्खन का लुक दे रहा है। इसको थोड़ा आप ऐसे करके गिरा भी सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो देखिए रेडी हो गई है हमारी मटकी। ओके, इसको आप लोग बनाइए अपने घर में। ओके बेटा, सो एन्जॉय एंड टेक केयर।